सभी को मेरा वंदे मातरम। आज हम भाग 7 के अंतर्गत कवक में प्रजनन पढ़ेंगे। भाग 6 में कवक क्या है, कवक में पोषण पढ़ लिए थे, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कवक है वह क्या होते हैं। कवक एक तंतुमय जीव होता है, तो उस तंतुवत होने के कारण से उसको माइसिलिया कहा जाता है। कवक में पोषण भी होता है, तो उसमें पोषण दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक होता है विषमपोषी और दूसरा है सहजीवी। तो विषमपोषी के अंतर्गत एक परजीवी भी होते हैं और एक मृतोपजीवी भी होते हैं। सहजीवी में लाइकेन आता है, क्योंकि यह शैवाल के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कवक में प्रजनन। तो कवकों में 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। कितने प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है वर्धी प्रजनन। पहला कौन सा प्रजनन होता है? वर्धी प्रजनन। दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। और तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। तो इस तरीके से कवक में 3 प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, जिसमें पहला है वर्धी प्रजनन। मतलब यहाँ पर जो कवक का शरीर है वो शरीर ही क्या होगा, अलग होकर नया कवक का निर्माण करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा कि यहाँ पर बीजाणुओं द्वारा या और कुछ तरीकों से एक ही युग्मक के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है और नए कवक का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन में 2 युग्मकों के बीच, जो कवक के युग्मक होंगे, तो 2 कवकों के बीच संयुग्मन होगा। मतलब जो उसके DNA हैं वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, जिसको संयुग्मन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला देखेंगे वर्धी प्रजनन। सबसे पहला हम देखेंगे वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन इसमें क्या होता है कि वर्धी का मतलब होता है कायिक। इसको कायिक प्रजनन भी कहा जाता है, और कायिक का मतलब है शरीर। तो शरीर ही क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वर्धी प्रजनन 4 प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम देखेंगे बडिंग। तो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत पहला देखेंगे बडिंग। इसको हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में जो जनन सेल होते हैं उसमें एक कलिका या एक उभार बनता है। सबसे पहले उसमें क्या बनते हैं, जनन सेल में या जनन कोशिका में कली, जैसे कि फूल खिलता है तो सबसे पहले उसमें क्या बनते हैं, एक छोटा सा उभार बनता है जिसको हम कली कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार से कवक के शरीर में भी उसकी जो जनन कोशिकाएं हैं उसमें एक कलिका या उभार बनता है, एक उभार बन जाता है, और कुछ समय पश्चात यही जो उभार है वो क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। नए कवक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीका से इस विधि को कहा जाता है बडिंग या मुकुलन। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, एक कवक है। क्या है, यह एक कवक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके शरीर पर एक उभार बनता है, तो हल्का सा क्या होगा, उसका शरीर में एक उभार बनेगा इस तरीके से। इसी उभार को मुकुल या बड कहा जाता है। अब यही उभार धीरे धीरे अपने जनक सेल से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं।
ये अलग होने के लिए वो पूरी तरीके से क्या है, रेडी। अब वो क्या होगा, कुछ समय पश्चात पूरी तरीके से ये जो उभार है वह अपनी जनक सेल से क्या हो जाते हैं, अलग होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी स्वतंत्र फिर जो कोशिका होती है वो एक नए कवक का निर्माण कर लेते हैं, न्यू फंगी बना लेते हैं। तो इस तरीका से होता है मुकुलन। दूसरा हम देखेंगे बाइनरी। दूसरा क्या है, बाइनरी। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा वर्धी प्रजनन के अंतर्गत दूसरा होता है बाइनरी फ्यूज़न। इसको हिंदी में कहा जाता है, बाइनरी का मतलब होता है द्वि और फ्यूज़न का मतलब होता है विभाजन। तो बाइनरी फ्यूज़न का मतलब होता है द्वि विभाजन। तो यहाँ पर द्वि विभाजन का मतलब है दो भागों में विभाजित हो जाना। तो जो कवक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। जो बडिंग मुकुलन है इसका एग्जाम्पल लिख लेना। जो बडिंग, जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है वह किस में पाया जाता है, इष्ट में पाया जाता है। इष्ट जो होता है, जो खमीर किण्वन की प्रक्रिया होती है वह इष्ट के कारण से ही होता है। तो इष्ट जो है वह ब्रेड बनाने, बिस्किट बनाने और जो इडली ढोकला बनाया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। और उसमें प्रजनन मुकुलन के द्वारा ही होता है। बाइनरी फ्यूज़न में, बाइनरी जो फ्यूज़न होता है वह भी इष्ट में ही पाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो कवक होंगे वो दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं, तो हम इसको एक स्ट्रक्चर से फिर से समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक कवक है। इसमें क्या होगा, इसके शरीर दो भागों में बटेंगे। तो एकाएक वो दो भागों में नहीं बट जाते हैं, धीरे धीरे उनमें क्या होता है, उनके शरीर पर एक खांच बनता है, ग्रू का निर्माण होता है। और फिर वह कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, इस तरीके से, और फिर वो क्या हो जाते हैं, दो कवक पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें दो न्यू फंगस का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ दो संतानों का निर्माण हुआ है, यानी कि जो एक कवक था वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को कहा जाता है बाइनरी फ्यूज़न या द्वि विभाजन। इसका भी एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो इष्ट में ही द्वि विभाजन पाया जाता है। तीसरा देखेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। वर्धी प्रजनन के अंतर्गत तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है विखंडन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो विभाजन की क्रिया हो चुकी है, तो अब ये विखंडन क्या है। तो यहाँ पर द्वि विभाजन होता है, लेकिन विखंडन का मतलब होगा कि जो कवक हैं वह कई भागों में विखंडित हो जाते हैं, और जितने भागों में यह विखंडित होता है उतने ही नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कवक कई भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए कवक का निर्माण कर लेते हैं, एक नए कवक बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है उसमें यदि क्या है, एक कवक है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं, कवक जो है वह एक तंतुमय संरचना है। तो इस प्रकार से क्या है, यह एक कवक है। अब यदि यह कवक कई भागों में टूट जाता है, है ना, जैसे कि इसका यहाँ पर से एक टुकड़ा अलग हो गया, यहाँ से एक टुकड़ा अलग हो गया इस तरीके से, उसके बाद ये अलग हो गया, ये नीचे का कुछ टुकड़ा अलग हो जाता है,
इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर तो एक कवक का जाल है। अब यही जाल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि विखंडित हो जाते हैं, और जितने भागों में वह विखंडित हुए हैं, मतलब यहाँ पर कितना भाग आपको दिख रहा है, 5 भाग दिख रहा होगा, तो यहाँ से कितने कवक का निर्माण हो गया, 5 नए कवक का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है, जिसमें कवक एक जाल के रूप में होते हैं और वह जाल कई भागों में टूट जाता है, तो प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रजनन को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पूरे कवक, जितने भी कवक हैं उसमें इस तरीका का प्रजनन पाया जाता है। तो ऑल फंगस, जितने भी कवक हैं, सभी प्रकार के कवक में इस तरीका का प्रजनन हो सकता है। अब हम लास्ट देखेंगे ऑइडिया। वर्धी प्रजनन का लास्ट है ऑइडिया। ऑइडिया में क्या होता है कि जो पतली भित्ति वाले कवक होते हैं, तो वो पतली भित्ति वाले जो कवक हैं वो कई खंडों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के पश्चात वो एक अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पतली भित्ति वाले कवक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं, और जितने भी भाग में विभाजित होते हैं उतने ही कवक का निर्माण होता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जो कवक का अग्र भाग होता है, तो वहां से क्या बनता है, कोनेडिया का निर्माण होता है। तो कोनेडिया के ही समान है ना आइडिया। तो ये क्या करते हैं, इस तरीक़े से वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और इस प्रत्येक भाग से फिर यही अलग होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं, न्यू फंगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, आइडिया कहा जाता है। तो आइडिया में क्या होता है कि जो कवक का जो पतली भित्ति होता है, यानी कि जो उसका अग्र भाग पतला भित्ति होता है, जिसकी वजह से वो कई भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, और धीरे से फिर वह प्रत्येक भाग अलग होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वर्धी प्रजनन होता है। अगला देखेंगे हम अलैंगिक प्रजनन। अब हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। तो जिस प्रकार से वर्धी प्रजनन हुआ था उसमें कई भाग थे, उसी प्रकार से अलैंगिक प्रजनन में भी कई भाग होंगे। तो इसका सबसे पहला भाग हम देखेंगे कोनिडियो या कोनेडिया। तो कोनेडिया आप सभी परिचित हैं इस नाम से कि कवक में, जो कवक संजीवाणु जब हम पढ़े थे तो वहाँ पर कोनेडिया के द्वारा ही उसमें प्रजनन की क्रिया हो रही थी, तो वही कोनेडिया यहाँ पर भी आता है। यदि हम इसको एक डायग्राम में देखते हैं तो जैसे कि ये क्या है, एक पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम में क्या होते हैं कि जो उनका अग्र भाग होता है, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, कोनेडियोफोर कहा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे गोले रूप में कोनेडिया का निर्माण हो जाता है, यानी कि उसके बीज कहा जाए। अब यही पूरी तरीक़े से मैच्योर होकर ये कोनेडिया है, वह किसी भी माध्यम से कहाँ आ जाते हैं, ज़मीन में आ जाते हैं, और ज़मीन में आने के पश्चात वो एक नए पेनिसिलियम का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं इस तरीके से। तो यह किसके द्वारा हुआ, एक कोनेडिया। अब जितने कोनेडिया अंकुरित होंगे उतने ही कवक का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कवक के अग्र भाग, यानी कि उसकी शाखा पर, तो कवक के अग्र भाग
या उसके अग्रभाग को और क्या कहा जाता है? कोनिडियोफोर। पर गोल बीज समान संरचना बनता है। क्या बनता है वहां पर? ये जो आपको दिख रहा है ये एक बीज के समान ही है, तो एक संरचना बनता है। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? कोनेडिया कहा जाता है। अब यही कोनेडिया जब दूसरे भागों में क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पर? वह अंकुरित हो जाता है। जिस प्रकार हम अगर फसल उगाते हैं तो बीजों को क्या करते हैं? डालते हैं, फिर उससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार से ये जो कोनेडिया है वह हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से दूसरे जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर एक नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम देख लेंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? एक एंटीबायोटिक है। सिलियम और आ जाएगा एस्परजिलस। एस्परजिलस भी क्या है? कवक ही है, फंगस है। तो कोनेडिया। अब हम दूसरा देखेंगे जूस्पोर। अब अलैंगिक के अंतर्गत हम दूसरा देखेंगे जूस्पोर। यहाँ पर क्या होता है कि कवक के अंदर में क्या बनते हैं? बीज बनते हैं जो कि क्या होते हैं? चल होते हैं, यानी कि चल बीजाणु बनते हैं। चल बीजाणु द्वारा ये क्या होते हैं? अब चल हैं, मतलब ये जो बीजाणु होंगे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेंगे, जिसके लिए उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें कुछ अंग पाए जाएंगे गति करने के लिए, तो उनमें फ्लैजिला पाया जाता है ना? क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। तो जैसे कि अगर हम एक डायग्राम देखते हैं, ये क्या है? एक कवक है जिसके अंदर में बहुत सारे बीज भरे हुए हैं। अब ये बीज जब पूरी तरीक़े से मैच्योर हो जाते हैं तो जो इसकी ये लेयर होती है वो फट जाती है और ये बीज बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। इस तरीक़े से इसमें क्या होगा? दो फ्लैजिला होंगे जिसकी मदद से वह दूसरे स्थान पर जाएंगे और वहाँ पर अपने समान कवक का निर्माण करेंगे। तो जो जूस्पोर है वह क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं, जो क्या करते हैं? बीजाणुधानी। ये क्या है? बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी जहाँ पर बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दो फ्लैजिला वाले चल बीजाणु अंकुरित होकर, ये चल बीजाणु कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानी में बनते हैं और ये अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीका से ये जो कवक हैं वह चल सॉरी ये जो कवक के जो बीज हैं वो चल होते हैं, इसलिए इनको जूस्पोर कहा जाता है। इन्हीं स्पोर की वजह से वो एक नए स्थान पर जाकर अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को कहा जाता है जूस्पोर या चल बीजाणु द्वारा। अगला हम देखेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। इसका एग्जाम्पल आएगा फाइटोफ्लोरा। ऐसे और बहुत सारे और कई कवक हैं जैसे कि एक्लिया। तो फाइटोफोरा, एक्लिया, इन सभी कवकों में उनके जो बीज होते हैं वो चल बीजाणु होते हैं और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने समान कवक का निर्माण कर लेते हैं। अब अगला हम देखेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। तो ये क्या होते हैं? अचल होते हैं, मतलब ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं
और अंकुरित होकर। ये जो अचल बीजाणु हैं वह नए जगह पर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अचल होते हैं, मतलब ये अपने अपने तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, तो इनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह उस माध्यम के द्वारा जैसे कि हवा हो गया या कुछ भी और चीज़ों की वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, म्यूकर, जो ब्रेड वगैरह में पाया जाता है म्यूकर, और है राइजोपस। इसका डायग्राम देखते हैं, जी तो ये क्या है, म्यूकर है। इसकी जो ऊपरी संरचना होती है, यहाँ पर क्या भरे होते हैं, स्पोर भरे होते हैं। यहाँ पर क्या भरे होते हैं, छोटे छोटे स्पोर भरे होते हैं, जो फ्लैजिला इसमें अनुपस्थित होता है, इसीलिए यह अचल होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, इस म्यूकर के ऊपरी सिरे पर बीज भरे होते हैं जिसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। ये स्पोरेंजियम दूसरे जगह जब ये पूरी तरीक़े से क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के पश्चात ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से। और बाहर निकलने के पश्चात जिस भी स्थान पर यह गिरते हैं, तो ये जब बाहर निकलते हैं तो इसको स्पोर कहा जाता है। तो जब यही स्पोर क्या होंगे, दूसरे जगह पर गिरते हैं, तो एक नए क्या होगा, नए म्यूकर का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। फिर से जब ये मैच्योर होंगे तो फिर से इसके स्पोर बाहर निकलकर दूसरे जगह पर जाकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होता है स्पोरेंजियोस्पोर। अलैंगिक के अंतर्गत लास्ट हम देखेंगे क्लेमाइडोस्पोर। इसमें क्या होता है कि यह कुछ परजीवों में पाया जाता है, जो परजीवी कवक होते हैं, जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि अचार मुरब्बा में जो भी कवक रहते हैं वो सभी क्या हैं, परजीवी हैं। तो उस कवक की, जैसे कि ये क्या है, एक कवक है, तो इसकी जो वॉल होती है, ये क्या है, ये वॉल है, यह मोटी होकर एक गोल बीजाणु में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब उसका जो बीच वाला बीच बीच का भाग क्या हो जाता है, मोटा होकर फूल जाता है इस तरीके से, है ना। ये जो कवक थे उसका बीच का जो उसकी वॉल होती है, मोटी वॉल होती है, वह फूल कर एक गोल बीच के समान संरचना बना लेती है। और यही फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये पूरे तरीके से क्या हो जाते हैं, अपने जनक से अलग भिन्न दिखाई देते हैं। और फिर यही जितने भागों में यह बीज का निर्माण होता है उतने ही नए कवक बन जाते हैं। तो इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है क्लेमाइडोस्पोर। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ परजीवी कवक की काइक सेल, कौन सा सेल, काइक सेल मतलब जनन सेल नहीं, जो उनकी शारीरिक होती है, शरीर की सेल, मोटी होकर एक गोल बीजाणु के रूप में चेंज हो जाते हैं, और फिर यही दूसरे जगह पर जाकर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीका से यह अलैंगिक प्रजनन कंप्लीट होता है। अब अगला प्रजनन है लैंगिक प्रजनन। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, इसके पश्चात अगले वीडियो में हम कवक के लैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कवक में वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन कंप्लीट होता है।